हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रुचिकर एनिमेशन समझने वाले हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एनिमेशन हम सिमुलेशन के माध्यम से समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको एक 19 स्वेटर दिखाई दे रही है और एक येलो कलर का बैलून दिखाई दे रहा है और दोनों पर आपको धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश दिखाई दे रहे हैं। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु जिसके अंदर धन और ऋणावेश होते हैं ये विद्युत रूप से उदासीन होता है। कहने का मतलब हुआ, परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके अंदर कुल चार्ज जीरो है, यानी जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश है, यानी उसके पास कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है। तो अब इस एनिमेशन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से स्टैटिक चार्ज है वो पदार्थ पर आता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बैलून है इसको स्वेटर के पास लेके जाते हैं और इससे हम रबरिंग करते हैं, यानी इससे घर्षित करते हैं इसको। तो देखिए इस प्रकार हमने क्या किया कि जैसे इस बैलून को उन्हीं कपड़े से घर्षित किया तो उन्हीं कपड़े के पास केवल एंड केवल पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है एंड बैलून के पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो कहने का अर्थ हुआ कि उन्हीं कपड़ा धनावेशित हो चुका है और बैलून ऋणावेशित हो चुका है, यानी इस प्रक्रिया में उन्हीं कपड़े ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं और बैलून ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, अर्थात दोनों आवेशित हो चुके हैं। और ये आवेश किस माध्यम से है, दोनों को रबरिंग करने से। अब यदि मैं इस बैलून को यहां से छोड़ता हूं तो क्या होने वाला है बच्चों, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं कपड़े के पास धनावेश है और बैलून के पास ऋणावेशित, तो दोनों के मध्य विद्युत बल कार्य करेगा और विद्युत बल कैसा होना चाहिए, आकर्षण का होना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे हैं, विपरीत आवेश हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसको अब देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, यानी आकर्षित कर रहे हैं। इसका अर्थ बैलून है वो किधर जाना चाहिए, उन्हीं कपड़े के पास जाना चाहिए, क्योंकि बैलून हल्का है इसलिए उन्हीं कपड़ा इसको आकर्षित करेगा तो इसके पास जाएगा। तो देखिए जैसे इसको मैं छोड़ता हूं क्या होने वाला है, ये देखिए तो जैसे छोड़ा तुरंत उन्हीं कपड़े के पास जाके चिपक गया। एक बार फिर देखिए ये देखिए। तो यहां से हमें क्या पता चला कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों ये समझ में आया। एक और देखिए, राइट साइड में मैंने एक दीवार बनाई है और इस दीवार में भी आपको धनावेश और ऋणावेश दिखाई दे रहे हैं, समान मात्रा में है। तो कहने का अर्थ हुआ दीवार भी विद्युत रूप से उदासीन है, लेकिन जैसे ही इसमें आवेशित बलून जिसके पास ऋणावेश काफी अधिक मात्रा में है इसको दीवार के पास लेके जाता हूं तो आप देखेंगे दीवार के चिपक गया। इस बलून को मैंने छोड़ दिया तो ये दीवार के चिपक चुका है। एक बार फिर देखिए, देखिए जैसे इसके नजदीक लेके जाता हूं क्या घटना घटित होती है उसको आप समझिए। ये देखो चिपक गया है बैलून है इस दीवार के चिपक गया है। और यहां से हमें एक चीज और देखने को मिली कि पहले जैसे इसको हम टच नहीं करवाते हैं बैलून को, दीवार के पास धनावेश और ऋणावेश और समान मात्रा में वितरित है, लेकिन जैसे इसको हम टच करवाते हैं इस बैलून को दीवार के संपर्क में लेके आते हैं तो संपर्क वाले स्थान से ऋणावेश दीवार की दूसरी तरफ चला गया है और वहां केवल एंड केवल धनावेश रह गया है। इस वजह से चूंकि बैलून के पास ऋणावेश है और संपर्क सतह के पास केवल धनावेश हुआ तो इन दोनों के मध्य आकर्षण हो गया
और इस आकर्षण की वजह से बैलून दीवार के चिपक गया। यहाँ से बच्चों क्लियर समझ में आई है, एक बार फिर देखिए इस एनिमेशन को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे इसके नजदीक लेके आऊंगा उस पर गौर कीजिए, ऋण आवेश देखिए दूर जा रहा, मैंने इसको संपर्क नहीं करवाया अभी, अभी बलून दीवार से टच नहीं हुआ लेकिन बहुत क्लोज जा चुका है। तो दीवार के जो बलून की तरफ वाले ऋण आवेश थे वो दीवार की दूसरी तरफ जा रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बलून के पास ऋण आवेश है, इसलिए वो दीवार की ऋण आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा। और इस प्रकार से दीवार के पास जो बलून के संपर्क में धनावेश है वो बलून को आकर्षित कर लेगा। ये चीज बच्चों समझ में आई आपको अच्छे से? अब देखिए एक और हम बलून लेके आते। अब हमारे पास दो बलून है, एक येलो कलर का है दूसरा ब्लू कलर का है, और दोनों को हम इस ऊनी कपड़े से कवरिंग करवाते हैं। तो हमें पता है कि जैसे ही हम ऊनी कपड़े से इस बलून को रबिंग करवाते हैं तो ऊनी कपड़ा धनावेशित हो चुका होता है और बलून ऋणावेश हो चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों बलून हैं इनके पास ऋणावेश आ चुका है। अब देखिए इन दोनों को हम संपर्क में लेके आए, अब इनको छोड़ता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखिए आप देख प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये लोग ऊपर की तरफ जा रहे, जैसे इसको नजदीक लेके जा रहा है ये दूर जा रहा है, देखिए इसके नजदीक नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं मैं इसके नजदीक लेके आ रहा हूँ, ये कैसे देखो कैसे मोशन हो रही है, इसको नजदीक लेके आऊंगा ऊपर नीचे जा रहा है, ये डांस कर रहा है क्योंकि प्रतिकर्षण का बल लग रहा है यहाँ पर, ये इसके नजदीक नहीं आ रहा, इसे दूर जा रहा है। क्यों जा रहा है बच्चों? ये लो जैसे इसको मैं नजदीक ले आऊंगा, नजदीक लाके छोड़ता हूँ, नजदीक दोनों हाथों से मैं इनको पास लेके आ रहा हूँ। अब जैसे ही मैं छोड़ता हूँ येलो बलून को, देखिए किधर जा रहा है, ये देखिए दूर चला गया। क्यों चला गया? ये देखिए ये उन्हीं कपड़े के पास आना चाहता है लेकिन चूंकि बीच में क्या है, एक दूसरा बलून है जो कि ऋणावेशित है और येलो बलून भी ऋणावेशित है, तो दोनों के पास समान नेचर का आवेश होने की वजह से इनके मध्य जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह प्रतिकर्षण है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए कितना शानदार तरीके से आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे इन दोनों को मैं छोड़ दूंगा, देखो इसको ऊपर लेके गया ये नीचे आ गया और नीचे से होते हुए पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया, जैसे इसको मैं छोड़ूंगा ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा यानी उन्हीं कपड़े की तरफ जाएगा। तो यहां से हमें बड़ा ही सुंदर एनिमेशन देखने को मिला कि समान नेचर के जो आवेश होते हुए दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान नेचर के जो आवेश होते हुए दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।